भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी अब वो 10 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। फिल्म 3 शहरों में रिलीज की गई है, झारखंड, बिहार और कोलकाता, और फिल्म को अभी तक बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म के रिस्पांस को देखते हुए फिल्म के प्रमोशन की आगे की स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जहां फिल्म का प्रमोशन सिर्फ पवन सिंह फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ करेंगे या फिर मधु शर्मा यानी फिल्म की जो दूसरी हीरोइन है उनके साथ करेंगे, न कि अक्षरा सिंह के साथ। ये फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि फिल्म को लेकर कोई विवाद ना खड़ा हो, इसके लिए फिल्म का प्रमोशन अगर अक्षरा सिंह करेंगी तो वो मधु शर्मा के साथ मिलकर करेंगी या खुद अकेले करेंगी, लेकिन वो पवन सिंह के साथ मिलकर फिल्म का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करेंगी। अब इन सब चीजों से तो साफ जाहिर हो चुका है कि जिस तरह से इस समय पवन और अक्षरा के रिश्ते चल रहे हैं उनसे साफ जाहिर हो चुका है कि वो आगे चलकर कोई भी फिल्म नहीं करने वाले हैं साथ। ये उनकी आई हुई लास्ट फिल्म है। फिल्म अभी 3 ही राज्यों में रिलीज हुई है, बाकी अभी राज्यों में रिलीज होना बाकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि फिल्म माँ तुझे सलाम का प्रमोशन अक्षरा सिंह बिल्कुल नहीं करेंगी, और अगर करती भी हैं तो वो अकेले सिंगल करेंगी, न कि पवन सिंह के साथ मिलकर। और अगर पवन सिंह किसी हीरोइन के साथ मिलकर फिल्म का प्रमोशन करना चाहेंगे तो वो मधु शर्मा होंगी, मधु शर्मा के साथ ही वो मिलकर फिल्म का प्रमोशन करेंगे, या फिर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ, लेकिन वो अक्षरा सिंह के साथ कतई फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके रिश्ते में कितनी बड़ी गहरी खाई आ चुकी है, कितना बिगड़ाव आ चुका है। सो ये थी लेटेस्ट खबर जिसे हमने आपको अभी रूबरू करवाया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।